ये कैसी मंतक है कि पीपी के इस्तीफे हलाल और नून लीग के इस्तीफे हराम हैं? अगर मौलाना फजलुर रहमान मुफाहमत चाहते हैं तो पहले बताएं कि किसके कहने पर लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाक फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले मौलाना फजलुर रहमान के इल्म में नहीं कि पीपी और एएनपी के खिलाफ शो कॉज नोटिस को जारी करने के बाद लीक किया गया। पीपी ने कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात होने की वजह से अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग की हमायत की। अक्सरियती जमात का हक है कि वो ऐवान बाला और जेरी में अपना अपोजिशन लीडर लाए। ये कैसी मंतक है कि पीपी के इस्तीफे हलाल और नून लीग के इस्तीफे हराम हैं? अगर मौलाना फजलुर रहमान मुफाहमत चाहते हैं तो पहले बताएं कि किसके कहने पर लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाक फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले मौलाना फजलुर रहमान के इल्म में नहीं कि पीपी और एएनपी के खिलाफ शो कॉज नोटिस को जारी करने के बाद लीक किया गया। पीपी ने कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात होने की वजह से अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग की हमायत की। अक्सरियती जमात का हक है कि वो ऐवान बाला और जेरी में अपना अपोजिशन लीडर लाए।